गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जीके की 12th क्लास है। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और मंडी में कहाँ पे है? मंडी में है ये जोगिंदर नगर में। अगर आपको ज़िला पूछा है तब आपने मंडी पे टिक करना है, लेकिन अगर आपको कोई स्थान पूछा है कि किस स्थान पे है और अगर जोगिंदर नगर आपके ऑप्शन में है तब आपका आंसर हो जाएगा जोगिंदर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण गंगा किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? तो ये हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बहती है। और अगर मैं बात करूँ धौलाधार का पुराना नाम, तो धौलाधार का पुराना नाम है मेलांक पर्वत। मेलांक पर्वत जो है वो धौलाधार का पुराना नाम है। और अगर बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा जो है वो ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से होकर जो है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1974 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूं 1974 की, तो 1974 में आपका HRTC भी बना था। HRTC की स्थापना भी 1974 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? तो सुंदरनगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है और इसका पुराना नाम था बनेड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? तो नाहन शहर की स्थापना की थी कर्म प्रकाश ने, वहाँ के राजा थे जिसने नाहन शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी जो है वो एक किताब है जो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। और अगर बात करें पाणिनि की, तो संस्कृत के जनक भी किसको कहा जाता है? पाणिनि को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय को किस भगवान ने अपना स्वरूप माना है? तो हिमालय को जो है श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को कब ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो का। तो ग श्रेणी का जो राज्य बनाया गया था, सी खंड जिसको हम बोलते हैं, तो ये बनाया गया था 1951 में। और 1951-52 में ही हिमाचल के पहले चुनाव हुए थे, जहाँ से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल को देवात्मा की संज्ञा किसने दी थी? तो देवात्मा की संज्ञा जो है वो महाकवि कालिदास जी ने हिमालय पर्वत को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा महल किसके द्वारा बनाया गया है? तो दमदमा महल जो है वो सूरज सेन द्वारा बनाया गया है, और ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल क्षेत्र पर सबसे पहली आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी? तो जिसने सबसे पहले हिमाचल पर आक्रमण किया था वो थे हमारे आर्य जाति के, जिसने हिमाचल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और ये जो आर्य जाति थी ये कौन सी थी? विदेशी जाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी कौन थे? तो हिमाचल के सबसे प्राचीन निवासी थे कोल, जो कि हिमाचल में काफ़ी टाइम से जो थे वो रह रहे थे, और इसीलिए इनको जो है वो प्राचीन निवासी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नगरकोट के किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मस्जिद का निर्माण जो है वो जहांगीर ने करवाया था नगरकोट के किले में। और आपको पता ही होगा नगरकोट का किला है कांगड़ा में, कांगड़ा किले का ही दूसरा नाम है नगरकोट किला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हमारी 6 बजे जो है वो GK की क्लास आती है, तो वीडियो देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।